मध्य प्रदेश के कटनी के बड़वारा इलाके में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रक से भारी मात्रा में गांजे की बोरियां बरामद की, जिनकी कीमत 2,60,00,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही टीम ने ट्रक ड्राइवर और उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अनिल यादव ने बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि उड़ीसा से बड़ी मात्रा में गांजा ट्रक में भरकर लाया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और पुलिस की टीम ने ट्रक को रोककर कार्रवाई की। कटनी से संवाददाता जाहिर हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, कल दिनांक 9/24 को एनसीबी की टीम के द्वारा थाना बड़वारा में सूचना दी गई कि एक ट्रक क्रमांक CG08AK2857 जो ग्राम पटरा में मुन्ना ढाबे के सामने खड़ा है, इसमें जो है बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा होने की सूचना है। उक्त सूचना से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया और प्राप्त निर्देश के अनुसार एनसीबी की टीम के साथ रेड कार्रवाई की गई, जहां ट्रक क्रमांक CG08AK2857 खड़ा मिला, जिसे जो है तलाशी ली गई, जिसमें लगभग 13 क्विंटल गांजा कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए का बरामद हुआ। मौके पर उपस्थित उक्त ट्रक के चालक और परिचालक को गिरफ्तार किया गया है।